जीत कर आ गई हैं, एक लंबा सफर आपने तय किया, सबसे पहले आप अपने शब्दों में जो कहना चाहती हैं वो कहें। मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं वही कहना चाहूँगी कि हमें सबको लगता है कि चीज़ें, मैंने, मुझे भी लगता था, सिर्फ ऐसे नहीं कि पब्लिक को, कि स्क्रिप्टेड होती है, बिग बॉस ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा लगा था कि कुछ चीज़ें होगी बोलेंगे करने के लिए, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि बहुत ही भयंकर है सब कुछ, मतलब सिर्फ रियलिटी शो नहीं है, रियलिटी में ऐसी चीज़ें होती है। इस बात से मैं हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग इस तरह से चलते हैं, मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँ कि कभी ये सोचते हैं कभी वो सोचते हैं, खुद फ्लिप होता है और मुझे बोल रहा है कि मैं फ्लिप होती हूँ, और आज ये खाना नहीं बनाना है उनको, लेकिन अगर मैंने खाना बना दिया तो मैं वो मेरी स्ट्रेटजी है अच्छी दिखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत भयंकर सफ़र था, लेकिन आज जो एक जीत मिली है उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जिस मकसद से आप गई थी बिग बॉस के घर में, वो मकसद आपका पूरा हुआ? जी हाँ, मैं जिस मकसद से गई थी वो मेरा मकसद पूरा हुआ। मुझे, मैंने अब तक टीवी पे कैरेक्टर करके लोगों को एंटरटेन किया है, और लोग हमारा एक, हम जिंदगी में सिर्फ एक कैरेक्टर बन के रह जाते हैं। मेरा था कि मुझे लोगों को ये बताना था जो मेरे पास्ट, एक जो मेरे पास्ट में हुआ, कि शिल्पा ये है और शिल्पा इस तरह से, शिल्पा का बिहेवियर है, तो वो मैंने वहाँ पे जाकर प्रूव किया कि चीज़ें सिर्फ चिल्लाने से नहीं होती, प्यार से चीज़ें हो सकती है। आप गिव एंड टेक पॉलिसी होती है, आप प्यार से चीज़ें मांगो आपके साथ हो जाएगी, लेकिन आप जहाँ लाउड रिएक्ट करते हो वहाँ मैं नहीं रहती, मेरे से नहीं होता। और यही सच्चाई थी कि किसी का झगड़ा हो गया और कुछ हो गया तो मैं वहाँ से निकल जाती थी, मैं वहाँ फ़ाइट नहीं कर पाती थी, किसी भी चीज़ में है, किसी टास्क में है तो मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाती थी, जेन्युइनली मैं गिव अप कर देती थी। शिल्पा, हिना ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मात्र 1000 वोट से मैं पीछे रह गई हूँ, क्या ये सच है? कि बल्कि अंदर की खबर ये थी आप बहुत मिलियन वोट से आगे हैं, लाखों वोट से आगे, आपको क्या पता चला है? थोड़ा सा फैंस को बताएं, शिल्पियंस को बताएं। शिल्पियंस, थैंक यू। मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे सारे फैंस को जिन्होंने मुझे जिताया, और अगर वो उसे कहीं से पता चला, ये अच्छी बात है कि वो सिर्फ 1000 वोट से पीछे थी। उसने भी काफ़ी मेहनत की है टीवी इंडस्ट्री में, 8 साल से एक शो कर रही थी वो, और खतरों के खिलाड़ी किए हैं, आई थिंक विनर नहीं बनी शायद वो, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ 1000 वोट से गई है, तो अच्छी सक्सेस है मेरे ख्याल से। क्या ये ट्रू है कि 1000 वोट से या फिर और मार्जिन था, मतलब क्योंकि खबरें ये हैं कि मार्जिन बहुत है, बट आई एम नॉट बिकॉज शिल्पा थोड़ी कोशिश करके सामने थी क्वेश्चन because she said we had a word with Salman Khan and he told ki it's just a margin of 1000 votes. You and Hina, you and she were together while Salman said this. This is what she said. Yeah, he was saying something about votes. I have no idea what did he say exactly. But agar hai to I really don't bother because ultimately winner to main hi hu. To ek vote ho ya do vote ho, acha hai, khush agar wo khush hoti hai ki main sirf 1000 votes se piche hu aur mere jeetne mein uski, agar wo us cheez se khush hai तो मुझे भी खुशी है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगी। Also शिल्पा, you know, if given a chance, if given a permission, what kind of survival kit would you had have carried inside the Big Boss house? Inside the Big Boss, can you repeat this question? If you were given permission, what kind of survival kit would you have carried inside the Big Boss house? Strength. Actually strength, it's very important, like, and patience, you know, very important, patience are very important.